Assalamualaikum, my dear students. हम comprehension कर रहे हैं chapter number 6, valuing others, दूसरों की कदर कीमत का एहसास करना, दूसरों को अहमियत देना. आज हमारा question है, how would we take care of differently abled people of our society? हर माशरे में differently abled people होते हैं और हमारे माशरे में भी है. हमें किस तरह से उनकी take care करनी चाहिए? सबसे पहले है, don't victimize people with disabilities. पर्सनल स्पेस, ऐसे लोगों को विक्टिमाइज ना करें, उन्हें स्ट्रेंजर्स ना समझें. गिव देम पर्सनल स्पेस, दे आर लाइक अस, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. डोंट अज्यूम दे सी देयर डिसेबिलिटी एज अ ट्रेजेडी. ये ना सोचें कि वो अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी कोई कमजोरी को जो है ट्रेजेडी, बहुत बड़ा सानिया समझ रहे हैं. स्टॉप, आई एम अ पर्सन नॉट अ पीटी परेड. लोग जो हैं देख के इस तरह के जेस्चर देते हैं, मुंह से अल्फाज निकालते हैं, आई एम सो सॉरी, सो यंग, सो सैड, अ ट्रेजिडी. इस तरह के एक्सप्रेशन देना और इस तरह के अल्फाज किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के सामने करना, उसको बहुत बुरा लगता है. सो स्टॉप assuming that their disability is as a tragedy. Ask before you help. Just because someone has a disability, don't assume she or he needs help. अगर किसी में disability है तो इसका ये मानी नहीं है कि वो आपसे मदद का तलबकार है. Just ask how are you. Don't touch, address or feed a service animal unless you have the person's permission. जो अक्सर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ अगर कोई एनिमल है तो इट इज़ कॉल्ड सर्विस एनिमल. इसको सर्विस एनिमल कहते हैं, उसको उस बंदे की परमिशन के बगैर खाना मत डालें या उसको टच मत करें. ओके, स्पीक डायरेक्टली टू द डिसेबल्ड. डायरेक्ट डिसेबल्ड पर्सन के साथ स्पीक करें. मे बी, मे आई हेल्प यू टू क्रॉस? No thanks, I am waiting for my ride. ये बस के इंतजार में खड़ा है और आप उसे सड़क पार कराने के चक्करों में है. People with disabilities are the best judge of what they can or cannot do. जो बंदा डिसेबिलिटी है जिसमें, उसको बेहतर पता होता है अपने बारे में कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. Don't make decisions for them. उनके लिए फैसले मत करें. About participating in any activity, कि वो किसी activity में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, उनको खुद अपने बारे में फैसला करने दें. Adjust posture to the eye level. हमें अच्छा लगता है कोई हमारे आंखों में आंखें देख के बात करे, हमारे level पे आके करे. तो height difference between people in wheelchairs and able bodies can create an unspoken feeling of superiority and inferiority. To be safe, sit or stand at eye level with the person who has a disability when it is appropriate and possible. हमेशा person के level पे आके बात करें, या बैठ जाएं या थोड़ा झुक जाएं. Find commonalities before thinking about differences. They are human beings, वो हमारे जैसे human beings हैं, उनकी they feel, they express, they talk, they live a life, they have loved ones. तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं हमारे और उनके दरमियान. सो जो कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में सोचें और फिर डिफरेंसेस के बारे में सोचें. एजुकेट योरसेल्फ. तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बारे में अपने आप को एजुकेट करना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू विद डिफरेंटली एबल्ड पीपल इज़ द ट्रीटमेंट दे रिसीव. Often the reason they are discriminated against is due to a lack of education about their abilities. तो जो वो ट्रीटमेंट उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि लोग नहीं जानते कि उनके अंदर एबिलिटीज भी हैं. सो वी शुड एजुकेट आवर सेल्व्स. लर्न हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन. ये सीखें कि उनसे सही तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं. Do you need assistance? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? Are you okay? आप ठीक हैं? Is there anything I can do for you? क्या मैं कोई काम है जो आपके लिए कर सकता हूँ? What is your name? आपका नाम क्या है? Where do you need to go? आपको कहीं जाना है या आपकी कोई ज़रूरत है?
वॉलंटियर इन योर एरिया, आप अपने एरिया में, हमारे सोसाइटी में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए हेल्पफुल हों. सम थिंग्स यू कैन ऑफन वॉलंटियर फॉर आर ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर दोज विद वीएन सोशल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, खाने पीने की अशिया की शॉपिंग कर दें उनके लिए जिनकी वीएन देखने की और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी सोचने समझने की सलाहियतें कम है. टीच क्लासेस ऑन हाउ टू इंटरेक्ट विद दोज हु हैव डिसेबिलिटीज, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसी क्लासेस में लोगों को बताएं कि डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं उनके साथ कैसे तामुल किया जाता है. हेल्प री डू अ हाउस टू बी मोर एक्सेसिबल, अगर कोई ऐसा डिसेबल्ड बंदा है घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए आसानियां पैदा कर दें तो वो उसके घर में हेल्प कर दें उसको. बी अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो आप भी साइन लैंग्वेज सीख लें ताकि आप इंटरप्रेटर बन सकें. हेल्पिंग टू ट्रेन अ स्पोर्ट एनिमल, और उनके लिए स्पोर्ट एनिमल को ट्रेन करने में मदद कर सकते हैं. सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पज, जो कामयाब लोग होते हैं वो उनको कोई तोहफ़तन नहीं मिलती कामयाबी, दे जस्ट वर्क हार्ड, वो हमेशा मेहनत करते हैं और फिर अपने मकसद में कामयाब होते हैं. इसी तरह अगर डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनको हमें हेल्प करनी चाहिए कि दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स इन लाइफ, और हमें खुद भी अपने कामयाब होने के लिए मेहनत की आदत डालनी. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.